रात के हो रहे थे 9:30, मैं तो अब बस पार्क से निकलने वाला हूँ। मैंने कुछ ऐसा देखा जो मतलब थोड़ा बिलीव करना मुश्किल था। देखा एक आदमी पेड़ के नीचे बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। वो चल के भी नहीं गया, वो अजीब टाइप से गया। फिर मुझे मेरे फादर और मेरी मॉम ने कुछ बोला था इस पार्क के बारे में, वो याद आया मुझे। मेरे फादर मुझे बोलते हैं कि तू रात में वॉक करना अवॉइड किया कर, वो भी पार्क्स में, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। तो वो मुझे हमेशा मना करते हैं कि मत रात में मतलब वॉक किया कर, क्योंकि वो थोड़ा सेफ नहीं होता है। ऐसे भी मतलब कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, या कुछ भी मतलब हो सकता है, तो इसके लिए वो मुझे हमेशा मना करते हैं। बट मेरे पास भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं भी क्या करूँ। तो मेरे पास टाइम जब भी, आज संडे का दिन था, मैंने सोचा कि ठीक है, दिन भर बहुत सारा घर का काम था तो रात में ही थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, नींद अच्छी आती है। बट जो मैंने देखा ना, यू वोंट इमेजिन, मतलब कुछ अजीब सा ही था। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी बोल सकते हो, या फ्रेंड्स एक पेड़ है इस पार्क में जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई, और आज तो मैंने लाइव ही देख लिया वो चीज़। पहले लोग बोलते थे कि कुछ दिन पहले एक बंदा उसके ऊपर चढ़ गया और वो उसके ऊपर से नीचे कूद गया, हाथ पैर टूट गया उसके, और मतलब कुछ अजीब सा ही था उस पेड़ में, होता रहता है। आज मैंने लाइव देखा वो चीज़, मैं अगले क्लिप में आपको वो दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा था और यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पे वो बंदा था, और यही वो पेड़ है, यही वो पेड़ है जिसके बारे में मैं थोड़ा दूर से बनाता हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूतिया पेड़ है। यहीं पे वो बंदा अजीबोगरीब एक्टिविटी करने लगा, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बेसिकली मैंने देखा कि एक बंदा उस पेड़ के पास एक चबूतरे पर बैठा हुआ था और वो अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। वो वीडियो में आप देखोगे ही, मतलब मैंने उसको बोला कि भाई आप घर चले जाओ, आपको क्या हो गया। बोल रहा मुझे पता नहीं चल रहा भैया, मैं बस यहाँ पे बैठा हुआ था और अजीब सा मुझे होने लगा। वो कभी ज़मीन में लोट रहा था तो कभी चबूतरे पे से गिर रहा था, मतलब लिटरली मैं डर गया थोड़ा कि ये क्या चीज़ है भाई। बताओगे क्या हुआ आपको, आप ठीक हो? मैं क्या हुआ? ठीक हो? नहीं नहीं ठीक है, तुम घर चले जाओ, घर चले जाओ तुम, ठीक है। ये चीज आप जज करो कि वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी था, या उसने ड्रग्स लिया हुआ था, या किसी तरीके का नशीले पदार्थ का यूज़ किया था, क्योंकि वो सेम उसी पेड़ के नीचे बैठ के वो सारी हरकतें कर रहा था और बोल रहा था भैया मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तो मुझे तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगा। अब आप मतलब आपके सोच पे आप कैसे इसको ले। मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि कभी भी रात में पार्क में अकेले ना जाएं, जो गलती मैंने की वो आप प्लीज़ ना करें। सेफ रहें, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने चाहिए।